Yo. देखिएगा, ये देख सकते हैं आँख सूजी हुई है। तो चलिए गाइस, देख लिया, उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग को अभी प्राकृतिक नज़ारों के व्यू को एंजॉय करिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक ठोकना। बंदर आएगा इस, देख सकते हैं आप लोग भी। ये दिखाते हैं आप लोग को बढ़िया से मौसम। देखिए गाइस कितनी बेहतरीन गाइस पेड़, और गाइस साथ ही साथ गाइस यहाँ मैं रह रहा हूँ गाइस, वहाँ एकदम हरियाली हरियाली आती है, एकदम बेहतरीन खुशनुमा हवा गाइस। सुबह सुबह तो और बेहतरीन हवा आती है। नीचे देख सकते हैं गाइस कितने बेहतरीन गाइस पेड़ पौधे लग रहे हैं गाइस। यही तो ज़िंदगी का मज़ा है। ऐसे लगा आता है कि जिनको लोगों को ज़िंदगी मिले गाइस, वो लोग बेहतरीन समझ सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये मुस्लिम थोड़ी आबादी है गाइस, कोई परवाह नहीं, लेकिन गाइस व्यू एक नंबर है। मैं सिर्फ गाइस व्यू के पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो गाइस व्यू एक नंबर है। देख सकते हैं आप लोग भी कितना बेहतरीन व्यू, सामने पेड़ है और गाइस बादल देखिए एकदम बेहतरीन, एकदम छांव वाले बादल हो रहे हैं गाइस। ना कोई बादल, ना कोई धूप है गाइस, ना ही कुछ गाइस, एकदम बहुत बेहतरीन प्यारा मौसम देख सकते हैं आप लोग गाइस। जहाँ आप लोग की निगाह जाएगी गाइस सिर्फ और सिर्फ बादल होगा गाइस। वो देखिए ऊपर चिड़िया कैसी लग रही है, बहुत बेहतरीन। तो व्यू को एंजॉय करिए गाइस, चलिए। तुम क्या आसार हैं तारा सिंह जी, बैकअप की तैयारी करना चाहता हूं। तुझे तारा सिंह में पहचान दो नहीं, दुश्मनों पूछो तारा सिंह कौन है। रस्ते पर और सड़क में एक मोड़ आया। दोस्तों क्या आप कभी सोचे हो कि हमारे भारतीय तिरंगा में सैफ्रन, व्हाइट, ग्रीन और हमारा तिरंगा का अशोक चक्र जो ब्लू रंग का है, ये आकार और सभी रंग आखिरकार क्या समझाते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सैफ्रन यानी केसरिया रंग जो हमारे भारत में रहने वाले लोगों के साहस और बलिदान को दर्शाता है। व्हाइट यानी सफेद जो भारतीयों की ईमानदारी, शांति और पवित्रता को दर्शाता है। ग्रीन यानी हरा जो खुशहाली, समृद्धि, उर्वरता और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। अशोक चक्र जो ब्लू यानी नीला रंग का होता है, ये आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य का प्रतिनिधित्व। उम्मीद है आप लोग ने गाइस व्लॉग देख लिया होगा। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो गाइस बिना सब्सक्राइब किए चैनल को बिल्कुल ना जाना। देख सकते हैं गाइस अभी हम लोग को कितनी दर्द हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग गाइस आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। और गाइस नीचे कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है नया लुक। वैसे गाइस ये 2-3 दिन में सही हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है।
तो गाइस बस आप लोग से एक सपोर्ट चाहिए गाइस, थोड़ा पहुंचाओ बेहतरीन गाइस। उसके बाद हमाल गद्दर उड़ाते हैं और गाइस ने गद्दर मूवी एकदम बहुत ही बेहतरीन बनी है गाइस। कुछ उसके भी क्लिप आप लोग को डाल देंगे और गाइस साथ ही साथ जिसने नहीं देखे मूवी ज़रूर जाना देखने। और गाइस 14 अगस्त को सुनने में आ रहा है, 14 अक्टूबर को सुनने में आ रहा है गाइस कि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है अहमदाबाद में, लेकिन गाइस आप लोग अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए गाइस हम लोग वाला मैच देखने नहीं जा पा रहे हैं। गाइस जल्दी जल्दी सपोर्ट करो और गाइस इसे सौरभ जोशी को गाइस यहाँ से आपने यहाँ पहुँचा दिया गाइस, इससे हम लोग को भी गाइस फर्श से अर्श तक पहुँचो, अर्श से फर्श तक पहुँचाओ गाइस। ऐसी उम्मीद है आप लोग गाइस सपोर्ट ज़रूर करोगे गाइस, बस सपोर्ट कर दो वीडियो को, अपने जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और गाइस नीचे कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो या पहली बार हमारा चेहरा देख रहे हो तो बिना सब्सक्राइब के बिल्कुल ना जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए धन्यवाद और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से लाल बटन हिट कर दो। पीछे का इस बैकग्राउंड एकदम बेहतरीन है, एकदम मज़ा आ रही है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक टिल देन बाय बाय, टाटा बाय बाय, गुड बाय। चलिए।